जैसा कि मैं देख रहा हूँ, यह जख्म बिलाखिर मुझे अंधा कर देगा। आज से तुम्हें मुख्तार को एक आंख के साथ कबूल करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी आरजू पूरी करने के लिए दो आंखों की जरूरत है, तो शक मत करो। यह जख्म तुम्हें अंधा नहीं कर सकता। याद है जिस दिन तुमसे मेरा निकाह हुआ था, मैंने तुमसे क्या पूछा था? जी हाँ, तुमने पूछा था उमरा, मुझे ये बताओ कि आखिर क्यों तुम बेशुमार मकाम और मनसब वालों के रिश्तों के होते हुए मुझ किसान की बीवी बनना चाहती हो? बाबा मुझे पागल कहा करते थे। तुम पागल हो गई हो उमरा? इतने मकाम और मनसब वाले लड़कों को तुम्हें पाने की तमन्ना है और तुम एक किसान को लिए बैठी हो कि जिसके पास तक घास फूस की बू आती है। जाहिर है उमरा और दूसरी लड़कियों में यही तो फर्क था कि उन्हें एक शौहर चाहिए था और मुझे एक हमसफर, उन्हें एक साथी चाहिए था और मुझे एक हमराही। मुझे ऐसी मंजिल चाहिए थी कि जिसकी मैं मुरीद बन जाऊं, मंजिल के जिसकी निशानी मोहब्बत अली है। मुख्तार और उसकी आतिशियां की तो सिर्फ एक बहाना था। वैसे मैंने गलत इंतखाब नहीं किया, तुम्हारी आंख का जख्म मेरा गवाह है। बहुत खूब मेरे हमसफर, सुनो, मैं कल सुबह सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा। कहां जाने का इरादा है? अपना राज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं उमरा, मैं मक्के की तरफ जा रहा हूं। तो मैं तुम्हारी हमसफर बन जाऊंगी। तुम तो अकेले सफर नहीं करना चाहते ना? तन्हा नहीं हूं, तुम मेरे दिल में हो। काश मैं तुम्हारे साथ भी चल सकती। उमर साद और शमर अपने जिलजोशन जैसों ने मेरी राह पर जाल बिछाए हुए हैं। तुम्हारे होते हुए मैं उनके जाल से निकल नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे जिंदान के वाकयात और मैसम में तमार्क के बारे में बताया, तो फिर तुम्हारे कयाम का क्या होगा जब तुम कूफे से फरार करना चाहते हो? फिलहाल कयाम के लिए हालात मुनासिब नहीं है उमरा, मुझे इस कयाम के लिए कम अज कम 1-8 साल का वक्त चाहिए। मैंने सुना है आले जुबैर ने मक्के में यजीद की मुखालफत का परचम लहरा दिया है और यजीदियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। मैं मक्का की तरफ जाऊंगा।
और अगर हो सका तो आले जुबैर के साथ मिल जाऊंगा और यजीद के चेहरे पर खाक मल दूंगा। काश मक्का के बजाय ईरान चले जाते मुख्तार, तुम ईरान में जल्दी मंजिल पालोगे। तुम ठीक कहती हो उमरा, मगर मुझे अपने दिल को रूहानी गिजा देनी है। मैं अपनी रूह को आब जमजम से धोने जा रहा हूं। मुमकिन नहीं कि अबू इसहाक अपनी मंजिल के बारे में तुम्हें कुछ बताए। इसका मतलब तुमने जरबी को पहचाना है। अगर जरबी को नहीं पहचानते तो इसका मतलब तुम अबू इसहाक को भी नहीं जानते। मैंने अबू इसहाक को पाला है भाई, कहाँ हो तुम? हमारी दोस्ती भी बड़ी पुरानी है बुढ़े। बुढ़े हो गए तुम, तुम्हारे होते सोते। कहो तो आंखें बंद करके बता दूं कि अबू इसहाक घर से निकल कर क्या करेगा। क्या करेगा? शर्त लगाओ भाई, जेब ढीली करो। एक बार शर्त लगा लो ताकि जरबी आंखें बंद करके गैब की बातें करे। मर्दे मैदा हूं तो शर्त लगाओ। अपनी मंजिल का ना बताए तो क्या? शर्त खत्म। मंजूर है, मगर अपनी आंखें अच्छी तरह बंद करोगे? ठीक है, मैं पलट जाता हूँ ताकि तुम मुतमईन रहो। उसने अपना जूता पहना, आगे गया। अब उसने बानो उमरा से कुछ कहा, बानो उमरा से जुदा हुआ। दुलदुल को एक नजर देखा, फिर एक नजर हमें देखा, हमारी तरफ आया। अब कहेगा जरबी, अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। जरबी। जी अबू इसहाक। अपना और दुलदुल का ख्याल रखना। बेफिक्र रहो भाई, अपने आप से ज्यादा ख्याल रखूंगा। दुलदुल की तरफ गया, उसके सर पे हाथ फेरा, अपना चेहरा दुलदुल के चेहरे पर मला। दुलदुल के कानों में एक विर्द पड़ा, दुलदुल ने उसे सूंघा, उसने भी दुलदुल को प्यार किया। अब आया हमारी तरफ के बानो उमरा के बारे में हुक्म करें। जरबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। मुर्गी के दूध से लेकर आदमजात की जान तक जो मांगे उसे दोगे। जरबी, बानो उमरा से गाफिल मत होना, कहीं खुदा ना खास्ता किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। जो भी मांगे मुर्गे के दूध से लेकर आदमजात की जान तक उसे दोगे। खुदा ने चाहा तो कहां का इरादा है अबू इसहाक? जहां मुझे तकदीर ले जाए। मैं जहां भी रुकूंगा तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। बिन कामिल, कियान, तुम दोनों मुख्तार के दो बाजू हो, तुम्हारी वफा पर नाज करता हूं। मेरी गैर मौजूदगी में जहां तक हो सके साथ ही जमा करो। मंजिल का मत पूछो, क्योंकि उमर साहद और शिमर जैसे नापाक लोगों के कान हमारी तरफ लगे हुए हैं। जब अपनी मंजिल को पहुंच जाऊंगा तो अपने बारे में तुम लोगों को बाखबर कर दूंगा। एक आध दिन तक मुजाहमत करके दुश्मन को धोखा देते रहो, ऐसे रहना कि दुश्मन ये समझे कि मैं अब तक कूफा में हूं। अबू इसहाक, इतनी इजाजत दो कि कुछ साथी तुम्हारे साथ जाएं। नहीं बिन कामिल, यह सफर मुख्तार के इम्तिहान का सफर है।
हमारे ख्वाब की ताबीर इसी सफर से वाबस्ता है। मुख्तार को यह रास्ता अकेले ही तय करना होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जाओ मुख्तार, खुदाए काबा तुम्हारा मुहाफिज है। तुम रहजन हो? मुसाफिर हूं। कहां जा रहे हो? क्यों? क्योंकि मौत की सिमत जा रहे हो। मजबूरी है। सहरा से वाकिफ हो? तुम लोगों जितना नहीं। मजीद आगे जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि सहरा क्या होता है। इस सहरा से अकेले गुजरना नामुमकिन है, वो भी उस सवारी के साथ जो तुम्हारे पास है। सहरा की सवारी ऊंट है, घोड़ा नहीं। तो ज्यादा सफर क्या है तुम्हारा? कुछ मुख्तसर सा रोटी पानी है। लगता है तुम सहरा और उसकी मुश्किलात से अनजान हो। मेरी मानो तो लौट जाओ और अपने घोड़े को एक मादा ऊंट से बदल लो जो दूध देती हो। सिर्फ दूध और ऊंटनी के साथ ही इस सहरा से जिंदा सलामत जा सकते हो। तो तुम लोग क्यों यहाँ सफर कर रहे हो? जाहिर है अनजान रास्ते छोटे होते हैं, बशर्ते के रास्ते जानते हो तो। क्या अपने नाम को भी अपनी मंजिल की तरह छुपाना चाहते हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी आवाज काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। अगर चेहरे से दस्तार उठा लो तो शायद तुम्हें पहचान लूं। मेरा नाम अबल गरक है, कबीला सकीफ से। अबल गरक, मुझे पहचान लिया तुमने? तुम्हारा नाम सुना है मैंने। मैं मुख्तार हूँ। मुख्तार, ये तुम हो अबू इसहाक? खुदा की हिकमत तो देखो, उस जगह दुआ कबूल करता है जहां सोचा भी ना हो। मुझे आरजू थी कि तुम्हें करीब से देखूं और तुम्हारा हाथ चूम सकूं। तुम कौमे सकीफ के लिए फखर का बाइस हो अबू इसहाक। तुम्हारी शुजातों का चर्चा सुना है मैंने सकफी शेर। तुम पर दुरूद, खुदा तुम्हारी पुष्पनाई करे। अरे मेरे बेटे, अबू इसहाक की ऊंटनी के दूध से पजीराई करो। नहीं शुक्रिया बरगरक। तुम्हारी आंख को क्या हुआ अबू इसहाक? जख्म है जो एक दुश्मन ने मुझे लगाया है। उनके हाथ नाकारा हो जाएं। ये दुश्मन के मुख्तार से डरने की निशानी है। वैसे एक बात तो है कि जो मुख्तार को जख्म लगा सके वो कोई माहिर लड़ने वाला ही होगा।
ऐसे कदमों के निशान मेरे सामने छोड़ करके कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारे बारे में इब्ने मरजाना की कैद की खबर मिली थी मुझे, उसकी कैद से कैसे भागे अबू इसहाक? मैं भागा नहीं, जिंदान से आजाद किया गया है ताकि मुझे शहर बदर करें। बिस्मिल्लाह मुख्तार, नाचीज सा नजराना है, नोश कीजिए। बहुत शुक्रिया नौजवान, अभी दिल नहीं चाह रहा। पियो अबू इसहाक, कुछ ताजा दम हो जाओगे। मुझे रास्ते की सख्तियों की आदत करनी होगी। खुदा की कसम, अगर दूध पी लेते हो तो तुम वो मुख्तार ना होते जिसे मैं जानता हूँ। आप बेफिक्र होके पी सकते हो। ممنون ہوں، کافی لذیذ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مختار کے معاملے میں کم از کم اس دودھ کے پیالے کے جتنا اجر کا حقدار بن گیا۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ آپ لوگوں پر شک کیا۔ بالکل ٹھیک قدم اٹھایا تم نے، ہمارا مختار زیرک ہے، اس کا ہوش تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ زیرک کا کیا مطلب؟ یعنی ہوشیار، یعنی سمجھدار، مطلب یہی جو تم نے دیکھا۔ جب تک میں نے دودھ نہ پیا، اس نے نہ پیا۔ خدا نہ خواستہ دودھ میں زہر ہوتا، اگر پی لیتا تو خاکم بدہن مر جاتا۔ خدایا مجھے مرنے سے پہلے اس کے قیام کی خبر سنا دے۔ کب فرزند رسول کے قاتلوں کو ان کے گھناونے اعمال کی سزا دو گے ابو اسحاق؟ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے ابوالغرق۔ قسم کھاتا ہوں کہ جتنا خون یحیٰ ابن زکریہ کے قصاص میں بہایا گیا اسے کہیں زیادہ قاتلان حسین کا خون بہوں گا۔ جاؤ یہ خبر حسین کے آزاداروں کو پہنچا دو، کہو منتظر مختار رہے۔ کیا لگتا ہے دوست، ایک تنہا خیمہ اس بے آب و گیا صحرا میں مشکوک ہے نا؟ کیا کہتے ہو، کوئی جال تو نہیں؟ کچھ سن کے دیکھ لو، کچھ سننے کی کوشش کرو۔ بہت خوب، چل کر دیکھتے ہیں کہ تقدیر نے اس خیمے میں ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ خیمے کے رہنے والے، کیا مہمان نہیں چاہیے؟ کوئی اندر ہے کیا؟ اگر ذرا سا بھی ہلے تو پورا خنجر تمہارے گلے میں گھونپ دوں گی۔ اپنی تلوار مجھے دے دو۔ یکین کرو میں کوئی ڈاکو نہیں۔ بکواس بند کرو، یہ خنجر اتنا تیز ہے کہ ہاتھ کے ایک اشارے سے تمہاری جان لے لے گا۔ اپنی تلوار مجھے دے دو، ہاتھ پیچھے۔ ہاتھ پیچھے، جلدی۔ پلٹ سکتے ہو۔
माफ करना बहन, मैं तुम्हारे खेमे में बगैर इजाजत घुसना नहीं चाहता था। मैंने आवाज दी मगर जवाब नहीं मिला। नहीं सुनना झांकने चले आए ताकि खेमे के अंदर के राज से आगाह हो जाओ। इतना नहीं सोचा कि ये खेमा कोई सहरा का पौधा नहीं है, कोई इसका मालिक भी होगा। मालिक की इजाजत के बगैर क्यों घुसे? आप बरहक हैं, मुझसे गलती हुई है। कौन हो तुम? मुसाफिर हूँ। ये नहीं पूछा क्या हो, मैंने पूछा कौन हूँ। आदमजाद हूँ। ओहो, मैं समझी सहराई जानवर हो। मैं अपने दुश्मनों की वजह से गुमनाम सफर कर रहा हूँ। अपनी मंजिल को भी छुपाऊंगा ताकि मेरे कदमों के निशान न ढूंढ लें। कैसे अहमक दुश्मन है तुम जैसा बेहुदा इंसान क्या किसी का खौफ रखेगा? ये दुश्मन आखिर है कौन जिसके खौफ से सहरा की तरफ निकले हो? मेरे दुश्मन कुछ मुट्ठी भर जानवर हैं कि जिन्होंने रसूल खुदा के घराने को नैनवा के सहरा में टुकड़े टुकड़े कर डाला। इन लोगों को इंसान का खिताब देना इंसानियत की तौहीन है। अब तो वाजिब है कि मैं जानूं कि तुम कौन हो। मैं दश्त नैनवा के एक शहीद की बीवी हूँ। तुम जैसा शख्स जो यजीदियों के खौफ से सहरा की तरफ निकला है, उसने ज़ुहैर इब्ने क़ैन का नाम तो सुना होगा। तुम मरहूम ज़ुहैर इब्ने क़ैन की बीवी हो? हाँ, मेरा नाम दुल्हन है। तुम कौन हो? मैं मुख्तार हूँ, बेसर अबू उबैद सकफी। तो तुम हो वो मुंतकिम कर्रार? मुंतकिम कर्रार? हाँ, ऐसा इंतकाम लेने वाला जो शदीद हमले करता है। माफ करना बहन, तुम इस सहरा बरहूत में तन्हा क्या कर रही हो? ये एक पेचीदा कहानी है। मैं इस मुकाम पे जुहैर से अलग हुई थी। जुहैर ने जब अज़मे हुसैन कर लिया तो मुझे तलाक दे दी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद दुश्मन मुझे उसकी बीवी होने के जुर्म में तकलीफ पहुंचाए या कैदी बना के ले जाए। मैंने कसम खा ली कि जब तक यजीद की मौत की खबर न सुन लूं, इस सहरा से हिलूंगी नहीं। मैं जुहैर की तलाक का सिला चुकाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह, जुनून इसी को कहते हैं। मैं जुहैर को जंग योमुल जिस्र से जानता हूं, वही जंग जो कादसिया की फतह का बायस बनी। उन दिनों मैं 13 साल नौजवान था। मेरे मरहूम वालिद साहब मुसलमानों की फौज के सरदार थे, मुझे भी अपने साथ मैदान जंग ले गए थे ताकि बकौल उनके मैदान को पहचान। उन दिनों जुहैर एक दिलेर और शुजा नौजवान था जो कि बगैर परवाह के मर्दानावाद लगता था। वाकई शुजात और दिलेरी में अपनी मिसाल आप था। वो जब जब मैदान में जाता था, मेरे बाबा मरहूम मुझसे बड़ी हसरत के साथ ये चाहते थे कि मैं उसे गौर से देखूं और गैरत तो शुजात सीखूं। मैं बेवकूफ बच्चा था जो जुहैर से हसद करता था। बारहा मेरे बाबा के कहने पर जुहैर ने मुझसे चाहा कि हम जंग की मशक करें, मगर मैं हर दफा सर के दर्द और पेट के दर्द का बहाना कर लेता था, मगर उसके साथ जंग की मशक करने पर आमादा नहीं होता था। मेरे मरहूम बाबा उसी जंग में शहीद हुए। बाबा की मौत के बाद मुझे कम उम्र की बिना पर कूफा भेज दिया गया। उसके बाद फिर मुझे जुहैर की कोई खबर न मिली, यहां तक कि कई साल के बाद सुनने में आया कि एक नामवर ताजर हो गया है और खूब दौलत कमाई है। ठीक सुना था, जुहैर साल तिजारत में मसरूफ रहा और जंग और हुकूमत में उसका कोई दखल नहीं था। उसका मानना यह था कि दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान जंग रसूल खुदा की नाराजगी का बायस बनता है। तो फिर क्या हुआ कि उसकी राय बदल गई? क्या हुआ कि दुनिया से दिल हटाकर नैनवा के काफिले में पहुंच गया?
बहुत अजीब सी दास्तान है मुख्तार, बहुत अजीब। हम हज को गए हुए थे, हज के बाद कूफे के अजम से निकले तो मक्के के करीब ही मौला हुसैन का काफिला नजर आया। चंद मंजिलों तक हमारा और मौला हुसैन का रास्ता एक ही था। जहर को पसंद न था कि मौला हुसैन के काफिले के साथ सफर करे। हम रुक गए ताकि मौला हुसैन एक मंजिल आगे निकल जाएं। जब मौला हुसैन चले जाते थे हम रुक जाते थे, और जब मौला हुसैन रुकते थे हम आगे बढ़ जाते थे। तकदीर ने एक मंजिल में दोनों काफिलों को मिला दिया। मौला हुसैन ने कासिद भेजा और जुहैर को अपने हुजूर तलब फरमाया। दुनिया का काम बड़ा निराला है, जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझने की ये जुहैर इब्ने कैन का काफिला है तो मुझे दस्तबरदार न होंगे। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारे, तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कूफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं माल और तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है, तजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलव्वस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। जुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है, खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूँ जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो जुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंदे रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता, ये सारे बहाने डर की निशानियां हैं। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो जुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने जुहैर को बुलाया था और जुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह जुहैर इब्ने कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन, मैं जाने के लिए आया हूँ। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ जुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन, मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माल दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूँ। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा।
کوفیوں کے کئی انسان نما بھیڑیوں کے ریوڑ خرید لیے گئے ہیں حسین سے مقابلے کے لیے. مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں. مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا. میرے بعد گویا تم طلاق یافتہ ہو. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ابھی طلاق لے لو. جاؤ دلہن جاؤ, اپنے بچوں اور ماں کی خبر لو. بچے اور مال تمہارے بغیر میرے کس کام کے ہیں؟ دلہن, موت ہر جاندار کا مقدر ہے. آج نہ مروں تو کل یا پرسوں تو مروں گا. موت پر صبر کرنا چاہیے, چونچرا نہیں. تمہیں تو مولا حسین کے پاس جانے سے ہی انکار تھا, میں نے بھیجا تھا تمہیں. کیا یہ انصاف ہے کہ اکیلے چلے جاؤ؟ مجھے یہ رہائی تمہارے تو فعل ملی ہے دلہن. خدا کی قسم, اگر عورتوں پر جہاد واجب ہوتا تو ہم ایک ساتھ مل کر مولا کی رکاب میں جاتے. مولا حسین کے اہل حرم بھی ہیں زہیر. کاش نہ ہوتے دلہن. مولا کی ساری مظلومیت ان کے بال بچوں کا ہونا ہے, تم کیوں آنا چاہتی ہو؟ سر مت کرو دلہن, جیسے ہی تمہیں طلاق دے دے گا پھر اختیار تمہارا اپنا ہے. دلہن, خدا گواہ ہے کہ یہ طلاق عاشقوں کی طلاق ہے, اس کے علاوہ کچھ اور مت سمجھنا. اچھا ہوا دلہن, اب تم پرسکون ہو کر مولا حسین کی ہم سفر بن سکتی ہو. نبی محرم کی شب تھی کہ مولا نے قافلے والوں پہ اہتمام حجت کر دی اور فرمایا, میں نے تم لوگوں سے اپنی بیعت اٹھا لی, جو بھی رکے وہ یہ جان لے کے کل مارا جائے گا. بازا صاحب نے اظہار وفاداری کیا. زہیر نے بھی ایک خوش آواز بلبل کی طرح آواز اٹھائی. جب ہم برحق ہیں تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا, کیونکہ ہم رسول خدا کے دیدار کو جا رہے ہیں. خدا کی قسم, اگر میں مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور پھر مر جاؤں اور زندہ ہو جاؤں اور اسی طرح ہزار بار مروں اور زندہ ہو جاؤں, آپ کو نہ چھوڑوں گا. مولا نے تمام مشعلیں بجھوا دی تاکہ جو بھی چاہے چلا جائے اور روشنی سے نہ شرمائے. زل جوشن کے بیٹے, میں نے سنا ہے فرزند رسول سے لڑنے کے لیے تم تمام لشکر سے زیادہ حرص رکھتے ہو. اگرچہ تمہارا امیر عمر سعد رے کی بادشاہت کی آرزو میں پر مار رہا ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ دل سے حسین کے خلاف لڑنے پر مائل نہیں ہے. یہ تم ہو جو سب کو بھڑکا رہے ہو. میں کہتا ہوں خدا سے ڈرو, جس بھی وعدے کی امید پر اس جنگ کی آگ کو بھڑکاؤ گے نقصان ہی اٹھاؤ گے. خدا کی قسم, دنیا کا مال و مقام فانی ہے اور بروز قیامت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. واز بند کرو, تم میدان جنگ میں ہو, مسجد کے ممبر پر نہیں. زبان چلانے کے بجائے تلوار نکالو. ہمارے لشکر کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ تمہاری یہ بیہودہ باتیں سنے. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے جن کی تلوار ان کے ہاتھوں میں مستی کر رہی ہے. اے کوفے والو, یہ میں ہوں زہیر ابن قین بجلی. تم میں سے زیادہ تر مجھے جانتے ہو یا میرا چرچا سن ہی چکے ہوگے. تاجر ہوں اور دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں. میں رسول خدا کی خدمت میں پیش رہا ہوں,
और चारों खुलफा के अदवार में कई लड़ाइयां लड़ चुका हूं। तुम लोग ऐसी बदनसीब उम्मत हो जो अपने ही नबी खुदा के नवासे पर देख खींचती हो। मैं इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं जानता। ए इब्न कैन, तुम तो आले अली से कोई मेलजोल ही नहीं रखते थे। तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद की बैत तोड़कर हुसैन की तरफदारी कैसे अख्तियार कर ली? बताओ हाँ, तुम समझते हो हुसैन इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम उसके वजीर आजम बन जाओगे? हाँ? फर्ज किया हम कोई ऐसा ख्याल रखते भी हों, मगर अब तो हालात हमारे हाथ से बाहर है। तुम कूफियों से पूछता हूं, इराक की बादशाही ज्यादा अजीज है या हमारी जाने? खुदा की कसम, हुसैन तुम्हारी दावत के सिवा किसी और घर से इराक नहीं आए। उनकी कोई और नियत नहीं सिवाय तुम्हारी हिदायत के। उनकी कोई आरजू नहीं सिवाय तुम्हारी रिहाई के। मौला हुसैन जुल्म करने वालों में कभी न थे। उन पर लगाए गए इल्जामात तोहमत के सिवा कुछ नहीं थे और यजीद की बैत कभी नहीं करेंगे। खामोश, सितमगर तुम हो और वो तुम्हारे बागी इमाम।
इब्ने ज़ुलजुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कसदे नमाज किया है, मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़ुहैर ने नैज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत माप के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिमर, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है, चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है, हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बईद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है, वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो, बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में ममानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं? कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है, क्या ऐसा नहीं है शिमर? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हों। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिमर, नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो।
लम्हे भर के लिए टिकना नहीं चाहता था। मैदान की तरफ जाने के लिए उस बच्चे की तरफ था जो माँ के लिए बाहें फैलाया हुआ हो। नमाज के बाद शरीर से पी और प्यास के हालत मैदान की तरफ गया। बाद में जुहैर की मौला हुसैन से मुलाकात की। मुख्तलिफ बातें सुनने में आई कि जिनके बारे में जुहैर ने कुछ नहीं बताया। कैसी बातें? मिसाल के तौर पर यह सुना कि मौला हुसैन ने एक मलाकुती लोह जुहैर को दिखाया था जिसमें शुहदाए नैनावा के नाम तहरीर थे और जुहैर इब्ने कैन और शुहदा की तादाद लिखी हुई थी, या ये कि मौला हुसैन ने अपनी दो उंगलियों के बीच में से उसे सब कुछ दिखा दिया था। नसीब जुहैर के जो काफिला इश्क से पीछे न रहा। गम खाओ मुख्तार कि तुम काफिला इश्क तक न पहुंच सके। खुदाया क्या हिकमत है तेरी, क्या हिकमत है इस रह जाने और न पहुंचने में। मुख्तार वही जिसने हजरत अली इब्न हुसैन को बीमार बना दिया ताकि शिया बगैर इमाम के ना रह जाएं, उसी ने तुम्हें कैदी बना दिया ताकि शिया मुंतकिम के बिना ना रह जाएं। तुम दस्ते इंतकाम खुदा हो मुख्तार, तो फिर मक्का जाओ, रमी जमरा करो, खलील की पैरवी में अपने अंदरूनी बुतों को तोड़ दो और अपने जिस्म को आबे जमजम से गुसल दो। आशूर के दाग खाने वाले दिल की तसल्ली चाहते हैं मुख्तार।
اهلن سهلن خوش آمدید. ممنون ہوں کہ آپ نے اجازت دی. تم تو کہنے والے ہو مختار، تمہارے مرحوم چچا میرے بابا علی اور بھائی حسن کے قابل اعتماد تھے. آپ لوگوں کی آل علی سے محبت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تمہاری میرے قریب چچزاد بھائی مسلم کی میزبانی اور جو حمایت تم نے اسے کی اور تمہاری اسیری کی خبر مجھے تفصیل سے ملی ہے، تمہاری آنکھ کا زخم کیسا ہے؟ شکر خدا اب بہتر ہو رہا ہے. محفوظ رہو انشاءاللہ. آپ نے میری عزت بڑھا دی. کیوں تکلفات میں پڑتے ہو مختار؟ ہم دونوں کے سینوں میں وہ راز ہیں کہ ہم مدتوں بیٹھ کر درد دل اور حسرت کر سکتے ہیں. ہم اس قافلے سے پیچھے رہ گئے جو ملکوت کی طرف جا رہا تھا. مجھے یقین ہے کہ اس جدائی میں کوئی حکمت ضرور ہوگی. اس کی حکمت ارادے کے لنگڑے پیر ہیں وساق. آپ کو حق ہے کہ میری سرزنش کریں. میں تمہاری سرزنش نہیں کر رہا بندے خدا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. یہ لنگڑے پیر باعث ہوئے کہ ہم سفر بنتا اپنے مظلوم بھائی حسین کا. کٹ جائیں پاؤں، کٹ جائیں پاؤں، کٹ جائیں پاؤں. میں حجاز آیا ہوں تاکہ اپنے جیسوں کی غفلت کا ازالہ کر سکوں. کیسے ازالہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاتھ بڑھائیے تاکہ بیعت کر کے آل علی کا حق غاصبوں اور ظالموں سے چھین سکوں. مجھے اپنا پیشوا مانتے ہو؟ آپ حیدر کرار کے فرزند ہیں، وارث خون شہید مولا حسین. خدا جانتا ہے کہ میں بھی قلبی طور پر حضرت سجاد کو اپنا امام زمانہ مانتا ہوں. میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ مجھے حکم جہاد کے بارے میں ان کا فرمان معلوم ہے. میں اور آپ شرن حق کو پھیلا سکتے ہیں. مختار علی کا ماننے والا تابعی ہے اور تابعین کا فریضہ فی الحال مصیبت پر صبر اور سکوت ہے.